गुड मॉर्निंग बच्चों, आज राजनीति विज्ञान के इस क्लास में हम राजनीति का अपराधीकरण नाम शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ क्लासों में हमने भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां थी उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी की कड़ी में एक भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती राजनीति का अपराधीकरण थी। राजनीति का अपराधीकरण के अंतर्गत आज हम भारतीय राजनीति की जो चिंताजनक स्थिति है और उसमें किस तरह से अपराधिक तत्व समाहित हो गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय। अंग्रेजों ने हमारी आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। गरीब व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति से उभरने के लिए सिर्फ सोचता ही रहता था और सबके मन में एक यही बात थी कि जब आजादी प्राप्त हो जाएगी तो आजादी प्राप्त होने के बाद हमारी स्थिति में सुधार है। लेकिन आजादी भी प्राप्त हो गई। आजादी प्राप्त होने के बाद भी हमारी जो स्थिति थी बहुत ही चिंताजनक थी। गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब होते गए और अमीर व्यक्ति और ज्यादा अमीर होते गए। जितनी भी राजनीतिक योजनाएं आई उन राजनीतिक योजनाओं ने जो अमीर वर्ग था उनको ही ज्यादा लाभान्वित किया। गरीब वर्ग एक बहुसंख्यक वर्ग बन के रह गया और कभी भी सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं। जिस कारण से इस वर्ग में बहुत ज्यादा असंतोष पनपता रहा और जो अपेक्षित लाभ इस बहुसंख्यक वर्ग यानी गरीब वर्ग को मिलना चाहिए था, खास करके आजादी के बाद, उस लाभ की तलाश गरीब वर्ग की आज तक पूरी नहीं हो। भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो भारतीय राजनीति को इसके लिए काफी हद तक हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय राजनीति में अपराधिक तत्वों का समावेश हो गया उसके लिए भारतीय राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र की सबसे गंभीर चुनौती बनी। ऐसा नहीं है कि हमने या हमारे चुनाव आयोग ने इस राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए कुछ प्रयास नहीं किए। उनके द्वारा कुछ प्रयास किए गए चुनाव प्रक्रिया में किए गए अभूतपूर्व सुधार। चुनावी प्रक्रिया में इनके द्वारा कुछ सुधार किए गए, जैसे ईवीएम मशीनों का प्रयोग, ताकि वोट डालने में किसी तरह का पर्चीवाड़ा नहीं हो सके। दूसरा जो उन्होंने सुधार किया, अत्यधिक संवेदनशील बूथों पर जो अत्यधिक संवेदनशील बूथ थे जिनके बूथ कैप्चरिंग का जहां पे ज्यादा खतरा बना रहता था, तो वहां पर इन्होंने वीडियोग्राफी का प्रयोग भी किया। ये भी एक सुधार चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया था। चुनावी आचार संहिता का
लागू करना चुनाव होने से कुछ निश्चित अवधि पहले कुछ चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके तहत कुछ नियम शुरू हो जाते हैं। उस समय जैसे सत्तारूढ़ पार्टी जनता को लुभाने वाले पर कार्य नहीं कर सकती या नई कोई घोषणाएं नहीं कर सकती। हाँ, पहले से कोई घोषणा करी हुई उस पर कार्य चल रहा है तो उसको लागू किए उसको जारी रखा जा सकता है, लेकिन नई घोषणाएं वहां पर नहीं की जा सकती, नए कार्य वहां पर नहीं किए जा सकते। इसके अलावा उन्होंने चुनावी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी इसी दिशा में उठाया गया, ये कदम महत्वपूर्ण कदम था। ये कुछ सुधार थे, इन सुधारों के माध्यम से निर्वाचन आयोग को ऐसा लगा कि चुनाव में इस तरह से सुधार होंगे तो निश्चित रूप से जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है उस अपराधीकरण को रोकने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय राजनीति में अपराधी जो तत्व थे उनकी भूमिका बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई और भारतीय राजनीति का अपराधीकरण निरंतर बढ़ता जा रहा। क्या होता है ये राजनीति का अपराधीकरण, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है इसका, इसके बारे में आपको सुनिए। राजनीति का जो अपराधीकरण है वह प्रवृत्ति है, राजनीति का अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अपराधी पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राजनीति में प्रवेश करने सत्ता प्राप्त करने और सत्ता प्राप्त सत्ता में बने रहने के लिए
के लिए अपराधियों का सहारा ले। राजनीति का प्राधिकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अपराधी पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और राजनीति में प्रवेश करने, सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए वो अपराधियों का सहारा ले। यानी अगर राजनेता में सत्ता प्राप्त करने के लिए अपराधियों का सहारा ले, चाहे वो कैप्चरिंग करे या अन्य कोई अपराधिक प्रवृत्ति करे और सत्ता भी प्राप्त कर ली, और सत्ता में बने रहने के लिए भी कई बार इनको सत्ता प्राप्त हो गई लेकिन उसके बाद भी इनको अपराधियों का सहारा लेना पड़ा। अगर इस तरीके से सहारा लेते हैं तो सत्ता प्राप्त करने के बाद ये अपराधियों को उसी तरह का फायदा भी पता चलता है, बिना फायदे से अपराधी भी इनका कार्य क्यों करे। तो तब अपराधियों को फायदा पहुंचाते हैं और कई बार अपराधियों द्वारा किए गए जो अपराध होते हैं उन अपराधों को इन राजनेताओं के द्वारा नजरअंदाज भी किया जाता है, क्योंकि ये लोग ही उन लोगों की राजनेताओं की सत्ता प्राप्त करने में मदद करते हैं। अब स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि ये कई प्रकार सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा ही अनैतिक और अनुचित राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो साधन इस राजनीति के अपराधीकरण को और ज्यादा बढ़ाता है। इसमें राजनीति के अपराधीकरण के लिए कई बार मतदाताओं को डराया धमकाया जाता है, मतदाताओं को लालच दिया जाता है और कई बार तो यह अपराध इस हद तक हो जाता है कि कभी कभी तो किसी उम्मीदवार की हत्या कर दी जाती है। उनको लगता है कि इस क्षेत्र में हमारी पकड़ मजबूत नहीं है या हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो उस उम्मीदवार की जिस उम्मीदवार की पकड़ मजबूत रहती है, जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उस उम्मीदवार की हत्या तक कर दी जाती है ताकि उस क्षेत्र के चुनाव विधि रद्द हो जाए। यानी अपने लाभ के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं और चुनाव जीतने के लिए जो राजनीतिक लोग हैं या अपराधिक तत्वों का जिस तरह से सहारा लेते हैं उस तरह से राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता जाता है। ये राजनेता उन अपराधियों को राजनीतिक शरण भी प्रदान करते हैं ताकि भविष्य में भी ये उनके काम आ सके और इस तरह से राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता चला। राजनीति के अपराधीकरण के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है कि राजनीति का अपराधीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही कुछ कारणों पर चर्चा करते हैं हम कि किन कारणों से राजनीति के अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण इसमें जो आता है राष्ट्रीय चरित्र का। कहने का मतलब है कि लोग बार सत्ता प्राप्ति के लालच में देशभक्ति की राह छोड़ देते हैं। क्या हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, उस राष्ट्रीय चरित्र का पतन कर देते हैं और देश हित को त्याग कर अपना स्वयं का हित साधने में लगे। बच्चों दूसरा कारण है गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। ये महत्वपूर्ण कारण है राजनीति के अपराधीकरण के। गरीबी होती है तो गरीबी के कारण व्यक्ति अपराध
की ओर ज्यादा अग्रसर होता है, क्योंकि उसको अपने और अपने परिवार का खर्चा चलाना होता है, चाहे वो फिर आपराधिक कदमों में शामिल होना हो। गरीबी रहती है तो चुनाव के टाइम पे गरीब लोग लालच में आ जाते हैं और अयोग्य उम्मीदवार को वोट देते हैं। अशिक्षा रहती है, अशिक्षा के कारण भी ये लोग ये तय नहीं कर पाते कौन सा उम्मीदवार योग्य है और कौन सा उम्मीदवार अयोग्य है। बेरोजगारी भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अगले कारण की बात करें राष्ट्रीयता का भाव, किस तरीके जो लोग होते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए जो अपराध का सहारा लेते हैं, अपराधियों का सहारा लेते हैं, उन लोगों में राष्ट्रीयता का भाव रहता है। उनके लिए देश जरूरी नहीं है, देश जरूरी नहीं है, उनके लिए स्वयं का है या सत्ता प्राप्त करना ज्यादा जरूरी रहता है। और वो सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीयता को तो खो ही देते हैं, लेकिन देश का भी वो नुकसान करते हैं। व्यक्ति की भौतिकवादी प्रवृत्ति, ये जो भौतिकता की ओर जो उसका आकर्षण है, ये आकर्षण भी राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देता है। राजनेता सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उस पर लाभ कमाया जा सके, पैसा कमाया जा सके। क्यों? ताकि उसका कारण ही भौतिकवादी प्रवृत्ति है। अभी ऊपर एक कारण की बात करी थी मैंने गरीबी की, कि गरीबी की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि व्यक्ति गरीब है तो इच्छा तो भौतिकवादी होने की व्यक्ति की भी रहती है, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। अगला जो कारण है राजनेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास नहीं करना, कि राजनेताओं का और राजनीतिक दलों का ये प्रकार सिर्फ एक ही प्रयास रहता है कि सत्ता प्राप्त हो, किसी न किसी तरह से हम सत्ता प्राप्त कर लें, और सत्ता प्राप्त करने के बाद उस चीज का लाभ उठाया जा सके। अब वो जो सत्ता प्राप्त हो रही है उस सत्ता प्राप्त करने के लिए ये लोग साधनों की पवित्रता में भी विश्वास नहीं करते, चाहे आपराधिक तत्वों के द्वारा हो, हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा, यहाँ तक कि अगर किसी की हत्या करने के बाद भी सत्ता प्राप्त होती है तो ये ऐसे साधनों को भी अपनाने से नहीं चुनते, यानी इन लोगों का साधनों की पवित्रता में विश्वास नहीं है। पुलिस राजनीतिज्ञों अपराधियों और अफसरों की साधना सब आपस में मिले, पुलिस भी राजनीति की भी अपराधी भी सब आपस में मिले हुए हैं, इसलिए एक दूसरे को रोकने वाला कोई नहीं है। सब अपराधिक अपराध की ओर सब अग्रसर है, कोई अपराध करता है तो राजनीति की पुलिस अपराधी सब मिले हुए, न कोई पकड़ा जाता है न अपराध को उनमें से रोका जाता है।
चुनावी राजनीति में बाह्य तत्वों का भी प्रभाव इसमें रहता है। बाहरी तत्व है चुनाव की राजनीति में, जैसे पैसा वगैरह हो गया, प्राधिकरण को ही, फिर इसके अलावा जो हमने चुनौतियां पढ़ी थी, जातिवाद, राजनीति में जाति की भूमिका, ये सारी जो अन्य तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्व भी राजनीति के प्राधिकरण को आगे बढ़ाते हैं। जनता द्वारा भी राजनीतिक प्रवृत्ति के जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो राजनीति के रहते हैं, ये राजनीतिज्ञों को जनता भी स्वीकार करती है। जनता को पता है कि इस राजनेता के ऊपर कितने ही आपराधिक केस चल रहे हैं या न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता उस व्यक्ति को वोट देकर उसको चुनाव में जिता देती है या उसको सत्ता सौंप देती है। इसलिए जनता को भी सोचना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति के केस चल रहे हैं तो ऐसे लोगों को जनता वोट दे। अभी 16वीं लोकसभा में देख लो कि 16वीं लोकसभा की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि 34% सदस्य ऐसे हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और उन पर न्यायालय में अलग अलग तरीके अपराधों के मामले विचाराधीन चल रहे हैं। यानी जनता को भी कहीं ना कहीं इनमें जनता की भी भूमिका रहती है। चीज में नेट कोई कानून आया भी इसके खिलाफ तो वो कानून प्रभावशाली रूप से भी लागू नहीं होगा। कानून बना दिया लेकिन उस कानून को प्रभावशाली रूप से नहीं लागू कर पाने की स्थिति में भी राजनीति का प्राधिकरण नहीं रुक पाता है। न्याय प्रणाली में भी कुछ कमियां हैं। इतनी जो न्याय प्रणाली की जो कमियां हैं, इसके बारे में बात करें तो जैसे न्याय देने में, न्याय प्रदान करने में देर हुई। जितने भी राजनेताओं के खिलाफ जो मामले न्यायालय में विचारा दिए गए, ये मामले सालों से चलते रहते हैं, उनका कोई फैसला ही नहीं आया। अगर फैसला आ जाए, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ ये सिद्ध हो जाए कि ये मामला, ये व्यक्ति अपराध में लिप्त था, ये राजनेता अपराध में लिप्त था, तो वैसे भी निर्वाचन आयोग ने कानून बना रखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध में लिप्त पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 साल तक चुनाव लड़ने से योग्य वो नहीं है। लेकिन हमारी न्याय प्रणाली न्याय करने में इतनी देरी प्रदान करती है कि राजनेता आराम से अपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता है वो आराम से सत्ता प्राप्त कर राजनीति के प्राधिकरण को बढ़ावा देते हैं। आगे बात करें बच्चों, दलीय राजनीति में सत्ता प्राप्ति अत्यधिक लालच, जितने भी राजनीतिक दल, उन सब राजनीतिक दलों का यही प्रयास रहता है कि वो
अधिक से अधिक मात्रा की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रयास करके सिर्फ सत्ता प्राप्त, यानी सत्ता प्राप्ति की उनकी जो लालसा है वो बहुत ही अत्यधिक रहती है। जो निर्वाचन प्रणाली है हमारी, उस निर्वाचन प्रणाली के में भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, जिसके कारण से राजनीतिक अपराधीकरण की प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। और ये बढ़ावा इस हद तक हो जाता है कि फिर स्थिति हाथ से निकल गई, इसलिए निर्वाचन प्रणाली में भी कुछ सुधार लाने आवश्यक है। शासन की क्षमता और गुणवत्ता में भारी भेद, जो शासन की क्षमता है वो क्षमता भी कम होती है। जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो सत्तारूढ़ पार्टियां सिर्फ अपनी सत्ता बचाने की भीड़भाड़ में रहती है कि 5 साल उनकी सत्ता चले। इस कारण से जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता उनको शासन की देनी चाहिए वो नहीं दे पाते, क्योंकि उनका ध्यान और उनके साधन तो अपनी सत्ता बचाने में चल जाते हैं, इसलिए शासन की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं आ पाती। और जो शासन करने की क्षमता उस राजनीतिक दल में है उसका ध्यान अन्य तरफ आकर्षित हो जाने के कारण, अपनी सत्ता को बचाने में लगे रहने के कारण वो क्षमता भी उसकी उस क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं होता। इस कारण शासन में भी कमी आ जाती है और राजनीति की अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। आइए बात करते हैं कुछ और कारण है, उन कारणों की बात करते हैं। अपराधी तत्वों का समाज में दबदबा और स्वीकार है, जो अपराधी पृष्ठभूमि से हो गए उनका समाज में बहुत ज्यादा दबदबा है। क्यों? वो तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग, आम आदमी शरीफ आदमी उनसे बचना नहीं चाहता, कोई जानता है कि इनसे बचेगा नुकसान अपना ही है, या अपने को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं अपने को नुकसान पहुंचा। तो जो शरीफ व्यक्ति होता है, आम आदमी होता है, वो उनसे बच के निकलना चाहता है कि छोड़ो वो सामने से कोई अपराधी आ रहा था अपने रास्ता चेंज कर। तो ऐसे क्या होता है कि अपराधी प्रवृत्तियों के अपराधी लोगों का जब तक विरोध नहीं होता और समाज के द्वारा उनको स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है अपराध कर रहा है तो अपना कह जाए आप उनको सही ना, आपको सही है ना, अपने को अपना घर परिवार चलाना। तो जब उनके समाज में स्वीकार्यता हो जाती है और उनका समाज में दबदबा हो जाता है, दबदबा भी क्यों कहें कि लोग उनसे डरने लगे, तो ऐसे लोगों की, ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं इन लोगों की लोगों पर ज्यादा पकड़ हो जाती है। चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम पे वो अपराधी आके उन लोगों से कहेगा कि इस व्यक्ति को वोट डालना है, तो वो व्यक्ति जो समाज के व्यक्ति हैं वो डर के मारे उसके कहने से उसी को वोट डाल, यानी उन व्यक्तियों ने भी स्वीकार कर लिया। और ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे ही अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जिनका समाज में दबदबा होता है, राजनेता शरण देते हैं और उनके अवसर देकर अपनी सत्ता प्राप्ति की जो उनकी लालसा है उसको पूरा कर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे,
बल और राजनीति का मिश्रण। आज की राजनीति ऐसी होगी जो अपराधी करेंगे कि अगर अपन पैसे देके वोट खरीद रहे हैं, कोई राजनेता या कोई राजनीतिक दल पैसे देके वोट खरीद रहा है तो भी क्या वो अपराध का तो सहारा नहीं है। बल ताकत के दम पे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको शरण दे रही है और चुनाव के टाइम पर उनसे बल प्रयोग कर रहा है। जब धन भी और बल भी और राजनीति भी तीनों मिल जाएंगे तो राजनीति का अपराधीकरण होना स्वाभाविक ही है। निष्पक्ष व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और राष्ट्र हितों के प्रति कटिबद्ध व्यक्ति है, ऐसे नेतृत्व का अभाव भारतीय राजनीति। कोई ऐसा राजनेता आता ही नहीं है जो एकदम निष्पक्ष हो, पूरे तरह से ईमानदार हो और जिसका सिर्फ राष्ट्र हित ही उद्देश्य हो। ऐसा नेता हमारी राजनीति में आते नहीं है, इससे राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता जाता है और यह अपराधीकरण इस तरह बढ़ता जाता है कि इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती के रूप में सामने आता है। इसलिए इस राजनीति के अपराधीकरण को किस तरह से रोका जाए, राजनीति के अपराधीकरण के क्या परिणाम होते हैं, अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।